हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रिया भार्गव टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट ये इसकी मैनुअल है और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में सो बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट जो है इसको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है जैसे कि बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट विजुअल मोटर टेस्ट जिसे बेंडर गेस्टाल्ट कहते हैं द बेंडर गेस्टाल्ट विजुअल मोटर टेस्ट इस नाम से भी जाना जाता है और बेंडर टेस्ट के नाम से भी जान जाना जाता है तो औरिजिनली uh, ये जो टेस्ट है ये uh, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल हैं जिसमें डेफिनेट नेम नहीं है इसको अलग अलग नेम से जाना गया है जैसे कि विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट और uh, इस तरह से या फिर बेंडर टेस्ट सो जो बेंडर थी शी इज़ अ फीमेल और उन्होंने इसको जब शुरू किया था इसको बनाया था तब इन्होंने इंस्ट्रक्शंस फ़ॉर द यूज़ ऑफ़ विजुअल मोटर गेस्टाल टेस्ट इस तरह से अपने आर्टिकल में मेंशन किया था बाद में फिर इनका नाम भी ऐड हो गया और फाइनली जो नाम इस टेस्ट का रखा गया वो बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट ऐसे करके रखा गया जो किस टेस्ट किस नेम का शॉर्ट फॉर्म है बेंडर विजुअल मोटर मौर, गेस्टाल्ट टेस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट सो so, ये तरह तरह के नाम से जाना जाता है अगर नेम्स आपको अलग अलग मिलेंगे इट डजन मीन कि अलग अलग टेस्ट है ये एक ही टेस्ट है फिर इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे कैसे बहुत सारे नेम्स आए और क्या फाइनली क्या सेट हुआ तो इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं बट जो पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं बट देन इसमें एक और पॉइंट है जो आपको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि जो बेंडर गेस्टाल्ट लिटरेचर है उसमें जो विदाउट गेस्टाल्ट यूज़ किए हैं ना इन्होंने बहुत सारे टर्म यूज़ किए हैं जब इसकी लिटरेचर में बैंडर एडमिनिस्ट्रेशन बैंडर कार्ड्स बैंडर स्कोर्स बैंडर एरर्स इस तरह से जो इनकरेक्ट नॉमिन है क्योंकि इस तरह से नहीं लेना है इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं इसमें नाइन पैटर्न्स के बारे में बात की गई है जिसको ड्रॉ करने के बारे में बात किया गया है उसको कैसे करना है वो भी आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आप सीखते जाओगे तो बेसिकली ये जो बैंडर गेस्टाल्ट टेस्ट है ये विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन को चेक करने का टेस्ट है और इसका एक्चुअल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो अब बैंडर गेस्टाल्ट टेस्ट बोलना द बेंडर टेस्ट नहीं है इसका नाम बट इसको फिर भी इस नेम से यू, लोग यूज़ करते हैं एज आई सेड जब भी आप जब uh, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैंने ये भी बताया कि मैनुअल में कैसे कैसे आता है आपको एम लिखना पड़ता है मटेरियल रिक्वायर्ड ये सारी चीज़ें तो उसमें इंट्रोडक्शन एक सेक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या इसमें मैंशन करना है इट इज़ दिस सो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है इसमें नाइन सिंपल फिगर्स हैं गेस्टाल टेस्ट में जो um, जिसको आ, कैसे कैरेक्टराइज़ करते हैं गेस्टाल्ट से कैरेक्टराइज़ करते हैं ये कोई टेस्ट नहीं है Uh, जो विजुअल मेमोरी का टेस्ट है या इमेजरी का टेस्ट है ऐसा कोई टेस्ट नहीं है ये परसेप्शन को चेक करना चाहता है कि जो सामने वाला क्लाइंट है वो किस तरह से परसीव कर रहा है चीज़ को सो विजुअल मोटर फंक्शनिंग उसकी कैसी है उसको टेस्ट करन, करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है एंड uh, ये विजुअल एक्यूरेसी एंड मोटर फंक्शनिंग को टेस्ट करता है इट मेजर्स विजुअल एक्ूरिटी एंड मोटर फंक्शनिंग इस तरह से आपको मैंशन करना है उसमें एंड परपैचुअल बिहेवियर कैसा है इस रिगार्डिंग में मतलब इसमें थ्री ब्रॉड स्टेजेस बताई गई हैं जो इन्वॉल्व होती है पहली स्टेज है सेंसरी रिसेप्शन ऑफ द फिगर फिगर को किस तरह से सेंस किया जा रहा है फिर Uh, दूसरा है इंटरप्रिटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइंस ऑफ फिगर्स एट सेंट्रल लेवल ऑफ द नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम का सेंट्रल लेवल है उस पर उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है पहले तो रिसीव किया किसी भी चीज़ को आप देखते हो उसके बाद फिर आप उसको समझते हो है ना तो जो समझना होता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एंड देन मोटर परफॉर्मेंस ऑफ द फिगर यानी कि किस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये थ्री एक्टिविटीज़ वन आफ्टर द अदर थ्री स्टेजेस है सेंसरी इंटरप्रिटेशन एंड मोटर परफॉर्मेंस ये तीन कैटेगरी चीज़ें हम बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट में देखते हैं सो so, uh, पहले मैं आप uh, क्लाइंट जो होता है वो उसको नोटिस करता है दूसरे में वो फिगर को समझता है एंड तीसरे में वो ड्रॉ करके दिखाता है तो ये जो प्रोसेस है रिसेप्शन इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन का ये ब्रेन uh, इंजरी के केसेस में हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस ब्रेन इंजरी के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस है केमिकल इम्बेलेंस है तो उसको टेस्ट हो जाता है इससे टॉक्सिसिटी कोई है या डिजनरेटिव प्रोसेस हैं ब्रेन सेल्स में वो भी पता चल जाते हैं नर्वस सिस्टम में कोई इशू है वो भी पता चल जाता है अगर ब्रेन डिसफंक्शन का केस है जो किसी वजह से हुआ है तो जो बेंडर्स डिज़ाइन है ये पता लगा लेगी कि कितना असर हुआ है दिमाग के ऊपर उस चीज़ का फिर लेटर ऑन जब और स्टडी हुई बेंडर टेस्ट की 1938 के की बात है ये बेंडर बेंडर ने इसको जो ये टेस्ट है नाइनटीन 1938 में निकाला था तो ये विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन का ही टेस्ट था तब तक उसके बाद और बेसिक जो हमारा आइडिया था बेसिक जो रैशनेल था इस टेस्ट का वो यही था कि परसेप्शन चेक करना है हमें क्लाइंट का एंड वो किस तरह से फिगर्स को गेस्टाल्ट फिगर्स को रिप्रोड्यूस करता है उसका किस तरह से बना के दिखाता है शीट में वो हमें टेस्ट करना था और आ, कुछ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके बेसिस पे हमें पता करना था कि वो सेंसरी मोटर एक्शन उसका कैसा है और आ, उसका अगर कुछ आ, अच्छा बेटर हो रही है इम्प्रूवमेंट हो रही है तो किस लेवल तक की इम्प्रूवमेंट हुई है क्यों तो आ, ये पता चल जाता था इससे उसकी फंक्शनैलिटी कितनी इम्प्रूव हुई है देन लेटर ऑन क्या हुआ बेंडर ने Uh, इसकी यूटिलिटी साइको डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे भी आइडेंटिफाई जहाँ आइडेंटिफाई की जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकियाट्री वाला जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे भी इसकी यूटिलिटी का आइडिया लगा एंड uh, इस क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने इंडिया में और अब्रॉड भी एक्सेप्ट किया तो ये एक पॉपुलर टेस्ट भी बन गया सो so, ये uh, जो टेस्ट है ये पहले टेन साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है जो पॉपुलर है और लास्ट फोर्टी ईयर्स से ये रैंक नंबर वन से लेके फाइव के बीच में चल रहा है इस टेस्ट का रैंक साइकियट्रिक कंडीशंस जो हैं साइकैट्रिक कंडीशंस जिसमें ये यूज़ किया जा सकता है वो है न्यूरोसिस साइकोसिस डिलिक्वेंट एग्रेसिव बिहेवियर्स देन मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल लेवल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस स्यूसाइड इन सारे केसेस में हम इस टेस्ट uh, को यूज़ कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड ब्रेन डिसफंक्शन के लिए ही है ये टेस्ट सो so, इसीलिए uh, ये आप जगह जगह पे इसको यूज़ कर सकते हो किन किन केस में कर सकते हो ये भी यहाँ पे बताया गया है जो इस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है इस टेस्ट की वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे क्लिनिकल फीचर्स को इंक्लूड करते हुए जैसे कि क्लाइंट जो है जो टेस्ट कर रहा है वो उसकी एजुकेशन कैसी है उसका ऑक्यूपेशन क्या है सोशल डेप्रीवेशन वाला केस तो नहीं है सो so ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है इसके अलावा वो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जिस तरह पेपर पे किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहा है फिगर को किस तरह से कॉपी कर कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है सो uh, so, uh, अब इसमें अगर हम आगे देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं सो बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट जो है इसमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है नंबर वन सेट ऑफ नाइन कार्ड्स ठीक है Uh, और सेकेंड uh, क्या है अ शीट ऑफ गुड क्वालिटी पेपर थर्ड क्या है वन ऑर्डिनरी एच बी पेंसिल फोर्थ इरेजर रबर जिसको बोलते हैं इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो टेस्ट है ये इंडिविजुअली uh, भी बच बच्चे, बच्चे के ऊपर भी कर सकते हो किसी एडल्ट के ऊपर भी कर सकते हो एक छोटे ग्रुप चार से आठ लोगों के ग्रुप में भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो और uh, बहुत आप अगर आप ज़्यादा ग्रुप में कर रहे हो तो आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ कार्ड्स होने चाहिए सो so, अगर आप पेशेंट या चाइल्ड के साथ कर भी रहे हैं तो उन, उन उनको एक तो आपको कंफर्टेबली बिठाना है पहले तो क्लाइंट को उनके साथ रेपो सेट करनी है आपको ठीक है उसके बाद उनके बारे में उनको ये सारे मटेरियल प्रोवाइड कर, करेंगे एंड जब आप उसको उनके साथ रेपो सेट करेंगे तो उनसे क्या क्या पूछना है आपको उनके नेम उनकी एज कास्ट रिलीजन एजुकेशन ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेनी है उसके बाद आपको ये बताना है उनको एक्सप्लेन करना है कि ये टास्क बड़ा इजी सा है और उनको सिर्फ कॉपी करना है जो कार्ड में बना है उसको कॉपी करना है एंड ये भी बताना है कि कैसे आ, उनकी जो भी चीज़ वो बनाएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी किसी को डिस्क्लोज नहीं होगी सो so, जब रे, रेपो एक बार सेट हो गया फिर आपको वन बाय वन कार्ड्स देने शुरू करने हैं बट आपको क्या इंस्ट्रक्शंस uh, उसको देनी है क्लाइंट को ये भी हम अब समझेंगे ना जैसे इंस्ट्रक्शन में इन्होंने पूरे गाइडलाइन दिए और स्टेटमेंट भी दिए हैं कि कैसे आपको बोलना है उसको जैसे कि ये फ्यू कार्ड्स विद डिफरेंट फिगर्स आर विद मी ये आप क्या बोलेंगे कि ये अलग अलग फिगर्स जो हैं डिफरेंट कार्ड्स हैं जिसमें अलग अलग फिगर बनी है वो मेरे पास हैं आई शेल शो दैम वन बाय वन और मैं आपको ये एक के बाद एक दिखाऊंगी यू आर रिक्वायर्ड टू कॉपी द कार्ड डिज़ाइन ऑन द पेपर और आपको वो कार्ड डिज़ाइन को अपने पेपर पर कॉपी करना है दिस इज़ द फस्ट कार्ड मेक योर कॉपी एज मच लाइक द ड्राॅइंग ऑन द कार्ड एज यू कैन और फिर आपको ये बोलना है कि वो जो कार्ड में डिज़ाइन है उसको एग्जैक्टली exactly वैसे ही आपको कॉपी करना है और जितना हो सकता है उतना कॉपी करने की कोशिश करना है तो जो रेस्पॉन्डेंट है मतलब जो आपका आ, पेशेंट है वो उसको फिर आपको अलाउ करना है कि वो पेपर अपनी तरफ एडजस्ट कर सके मूव कर सके और वो आराम से अपनी पोजीशन को भी चेंज कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उसको अलाउ कर सकते हो पेंसिल को भी वो कैसी तरह से मूव कर सकता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसके लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है क्लाइंट के ऊपर लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट है जब आप वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको अच्छे से रिप्लाई करना है आपको अगर वो पूछता है आप, आपको कि मैं लाइन को मेजर कर लूँ क्या मैं डॉट्स को काउंट कर लूँ क्या सो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आपको आपको उसके जैसे पिक्चर बनानी है और कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है क्लाइंट से क्लाइंट uh, को आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना है कि कैसे बनाना है ठीक है ये भी नहीं कर, बताना है कि वो uh, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है सो uh, इरेज़र so, uh, को यूज़ करना है कि नहीं करना है ये भी आपको नहीं बोलना है uh, अगर वो पूछता है कैन आई यूज़ द इरेज़र सो आप uh, आपने बोल सकते हो कि येस यू यू कैन प्लीज़ यू कैन डू इट ठीक है तो आपको एक्चुअली कुछ गाइड नहीं करना है क्लाइंट को अपने आप ही करने देना है बस बी सपोर्टिव बी प्रेजेंट देयर तो वो पेपर जब आप उसके सामने रखेंगे सब्जेक्ट के सामने तो पेपर को वर्टिकली रखना है लिटा के नहीं रखना है खड़ा करके पेपर को रखना है खड़ा करके मतलब कि वर्टिकली रखना है जैसे हम जनरली ए फोर साइज पेपर में लिखते हैं उस तरह से क्लाइंट के सामने रखना है और जो कार्ड है वो पेपर के ऊपर रख देना है और सब्जेक्ट को बोलना है कि इस कार्ड को कॉपी करना है और या अगर वो कार्ड उठाने की कोशिश करता है ना तो आपको उसको वापस कार्ड को पेपर के ऊपर रख देना है करेक्ट डायरेक्शन में और उसको हिलाने कार्ड को इधर उधर टेबल पे नहीं रखने देना है पेपर के ही ऊपर रखना है क्योंकि अगर एंगल चेंज होगा तो फिगर गलत बनेगी इसीलिए उसका ध्यान रखना है कि पेपर के ऊपर साम के ऊपर वो कार्ड दिखना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन से सब्जे सब वो जो आपका सब्जेक्ट है पेशेंट को एक्चुअली हम सब्जेक्ट बोलते हैं आ, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब्जेक्ट को आ, पेपर को रोटेट मत करने दो सीधा सीधा रख के बनाने दो अगर वो अपना पॉस्चर चेंज कर रहा है ठीक है पॉस्चर करने दो लेकिन पेपर को रोटेट नहीं करने देना है ठीक है और uh, कार्ड को हटा देना है uh, जब उसने वो ये बोलेगा कि उसने कॉपी कर ली है अगर उसने कॉपी ढंग से नहीं की आपको लगता है uh, कि uh, आप उससे पूछ भी सकते हो व्हाट इज़ दिस तो वो क्या आपको बताता है वो भी आपको नोटिस करना है अगर वो उस ऑब्जेक्ट का नाम बताता है और uh, uh, अगर ही वो उस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम बता हो तो आप अलग सेपरेट पेज में कहीं पे लिख लो वो उस फिगर को क्या नाम से बोल रहा है ये ज़रूरी है इसमें क्योंकि आपको उसका सारा कुछ नोटिस करना है कि वो किस तरह से समझ रहा है किस तरह से उस फिगर को एड्रेस कर रहा है और डिज़ाइन को कितना सिमिलर उसने सिमिलर साइज़ या शेप में कॉपी किया है कि नहीं किया है आ, दूसरा कार्ड इससे पहले कि आप उसको दिखाएं बेटर आइडिया इज़ आप उसको Uh, अगर आपको लगता है कि उसने ठीक से नहीं बनाया तो आप सब्जेक्ट को बोलो कि दोबारा एक और फिर से डिज़ाइन mm. बनाओ पेपर पे, पे. Uh, और उसको टाइम आप कितना भी दे सकते हो और वाइल जब वो दोबारा बनाना शुरू करेगा सेम कार्ड को अगर उसने ढंग से नहीं बनाया तो तो उसके बिहेवियर को आपको नोट डाउन करना है क्योंकि टाइम लिमिट कुछ नहीं है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है इसमें नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट स्कोरिंग सो हैंस स्कोरिंग प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं ये जो मेथड है स्कोरिंग का ये इंडिया में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है इसको कैसे स्कोर करना है ये सिंपल है और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है यानी कि हम नंबर्स देते हैं जो भी हमें डिफेक्ट नज़र आता है इस मेथड में जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो 15 साइंस को नोटिस करने की कोशिश करते हैं मतलब कि जो सामने आपका सब्जेक्ट बैठा है उसमें अगर फ़िफ्टीन साइंस प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे हम उसको नंबर डालते हैं अगर और ये सिर्फ साइन है या नहीं है उसी के बेसिस पे नौ की नौ डिज़ाइन में हम स्कोरिंग करेंगे उन नाइन डिज़ाइन जो नाइन कार्ड्स हैं हमारे पास उनमें से किसी एक में भी अगर वो साइन दिखाई देता है वो फिफ्टीन साइन में से जो भी साइन दिखाई दे रहे हैं मतलब फिफ्टीन को हम चेक करेंगे हर एक को वन आफ्टर दी अदर सो अगर इन फिफ्टीन साइन में से कोई भी साइन हमें नाइन डिज़ाइन ड्रॉ करते टाइम दिखाई देता है तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे बट हर एक साइन को किस तरह से नोटिस करना है उसको भी हम आगे समझेंगे सो so, ये ध्यान रखना है और एक ही बार आप आपने सपोज वो पहली डिज़ाइन कर रहा है और आपको दो साइन पकड़ाई में आ गए पंद्रह में से फिर आपको फर्दर उन साइन को कंसीडर देखना नहीं है क्योंकि आप तो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो उस साइन के लिए तो अब आपको बाकी चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करनी है पंद्रह में से बाकी बचे हुए साइंस को नोटिस करना है तो एक बारी अगर आपने किसी भी जगह पे कोई साइन देख लिया उसको दोबारा आपको नोटिस नहीं करना है बाकी बाकी दूसरे साइन नोटिस करने हैं सो तो ये जो साइन का हम स्कोरिंग कर रहे हैं ये ऑल और नन वाली सिचुएशन है या तो वो साइन ऑब्जर्व होगा या फिर वो साइन एबसेंट होगा Uh, वो कहीं नहीं uh, होगा पार्शियली कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो साइन पार्शियली एग्जिस्ट करता है तो ऑल और नन प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे होगा या नहीं होगा बीच का कुछ नहीं है इसमें जो न्यूमेरिकल वेट है या जो हम स्कोर देंगे uh, वो सेम रहेगा uh, किसी भी डिज़ाइन के लिए चाहे वो पहली डिज़ाइन है चाहे दूसरी है चाहे नाइन्थ डिज़ाइन है कोई भी डिज़ाइन है जो पाँच नाइन डिज़ाइन हम दिखाएंगे नाइन कार्ड्स जो हम दिखाएंगे उनमें स्कोर सेम ही रहेगा आप बदलोगे नहीं स्कोर को नाउ कमिंग टू परसीवरेशन ये पहला साइन है जिसको हमें उस पर नोटिस करना है ये दो टाइप के परसीवरेशन होते हैं एक होता है इंट्रा और दूसरा होता है इंटर इंट्रा में जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं क्या क्लाइंट ने या आपके सब्जेक्ट ने जो डिज़ाइन है उसको एनलार्ज कर दिया है यानी कि नंबर ऑफ़ डॉट्स या नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर दिए हैं और इंटर परसीवरेशन का मतलब होता है कि आपने जब क्लाइंट को फर्स्ट कार्ड दिखा के उसको ड्रा करवा दिया और फिर जब आपने सेकंड कार्ड दिखाया mm -hmm. तो वो अभी भी पहले कार्ड की जो इमेजेस थी वो अपने दिमाग में रिटेन कर रहा है और उसको ड्रॉ कर रहा है सो so, अगर इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो आप उसको फोर नंबर दोगे और अगर नहीं करती हैं तो कोई स्कोर नहीं मिलेगा सो so, आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट इज रोटेशन रोटेशन में क्या है क्या uh, उसने जो डिजाइन बनाई है पूरी की पूरी डिज़ाइन को उसने 45 डिग्री या उससे ज़्यादा रोटेट कर दिया अपने एक्सेस से एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन से 45 डिग्री तो आपको पता होगा 90 का आधा 90 डिग्री का आधा 45 होता है तो 45 डिग्री से ज़्यादा अगर टेढ़ा बना दिया उसने तो आप फ़ोर स्कोर दोगे और पूरी डिज़ाइन नॉट अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन पूरी डिज़ाइन को अगर उसने फोर्टी डिग्री से ज़्यादा टेढ़ा बना दिया तो, तो आप फ़ोर स्कोर करेंगे कॉन्क्रीटिज़म के बारे में बात करें तो कॉन्क्रीटिज़म में क्या है जबी भी उसका जो उसने जो डिज़ाइन बनाया है आप जब उसने ना कुछ और ही बना दिया है बहुत ज़्यादा ही डेविएशन है मतलब आप फिगर को कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हो आपने जो कार्ड में डिज़ाइन दिया है और उसने जो बनाया है बिल्कुल ही अलग है तो वो हम इसके बारे में फिर क्लाइंट से पूछेंगे कि ये क्या बनाया है उसका नाम बताओ हम नाम पूछेंगे तो वो जो सब्जेक्ट है अपना वो कोई ना कोई नेम बोलेगा जैसे बो या फिर बर्ड या ट्री इस तरह के सो so, ये जो साइन है तब आपको स्कोर करना है अगर वो नेम भी देता है उस फिगर का और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप इस साइन को दोगे वो होगा फ़ोर सो so, आपको ये ग्रेडिंग में करना जैसे मैंने बताया था कि जब भी आप कर रहे हैं स्कोरिंग सो so, आपको ग्रेड देना है अगर वो पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है अपने सब्जेक्ट में फोर्थ जो साइन आपको नोटिस करना है वो है एडेड एंगल्स सो अगर आपने देखा कि एक्स्ट्रा एंगल बना दिया सो so, कौन कौन से कार्ड्स में आपको एंगल को नोटिस करना है कार्ड नंबर ए फोर सेवन एंड एट Uh, इसमें जो कार्ड का काउंट है ना बाकी सब नंबर से हैं सिर्फ एक कार्ड है जो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है ए कार्ड उसके अलावा बाकी के जितने भी कार्ड हैं वो वन टू थ्री फोर ऐसे काउंट के हैं सो so, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कार्ड ए फोर सेवन एंड एट मतलब फोर कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड ए है दूसरा कार्ड फोर है तीसरा कार्ड सेवन है और चौथा कार्ड एट है इन कार्ड्स में ही आपको चेक करना है इन इस इन चारों कार्ड्स में ही आपको चेक करना है कि जब सब्जेक्ट इनको देख के ड्रॉ कर रहा है तो क्या उसने एक्स्ट्रा एंगल बनाया है अगर बनाया है तो आप उसको थ्री स्कोर दोगे सेपरेशन ऑफ लाइन्स इज फिफ्थ चीज़ जो आपको चेक करना है फिफ्थ uh, क्या है इसमें कि अगर जो लाइन अगर आपको ब्रोकन दिखाई दे रही है और लाइन जब टूटी है तो वो सेपरेट दो लाइन्स बन रही हैं तो अगर ऐसी और वो एक दूसरे को कहीं से भी टच नहीं कर रही हैं तब आपको इसमें थ्री नंबर देना है स्कोर थ्री देना है अगर आपको ऐसा किसी भी फिगर में दिखाई दे रहा है सिक्स इज ओवरलैप इसमें आपको कैसे स्कोर करना है आपको ये देखना है जो डिज़ाइन का पार्ट है अगर वो ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे दूसरी डिजाइन बनी हुई है मतलब जितना एरिया में बननी थी उसके अलावा वो बाहर निकाल रहा है डिज़ाइन को तब आपको इसमें थ्री स्कोर देना है अगर इस तरह का ओवरलैपिंग प्रेजेंट है दूसरी डिज़ाइन के ऊपर चढ़ा दिया उसने दूसरी डिज़ाइन के एरिया में चढ़ा दिया तो आप थ्री नंबर दोगे नाउ नेक्स्ट सेवेंथ इज़ डिस्टॉर्शंस अगर आपको डिस्टॉर्शन दिखते हैं मतलब कि जो हमने डिज़ाइन दी है उसमें एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिख रहा है फिगर में और वो इस तरह का डिस्ट्रक्शन है कि वो बिल्कुल ही कार्ड के डिज़ाइन से अलग ही हटके कुछ और ही बना दिया जो बिल्कुल ही मिल नहीं रहा तो आप इसमें थ्री पॉइंट देंगे एट्थ है एम्बेलिशमेंट्स यानी कि मीनिंगस स्मॉल लाइन्स अगर उसने एड कर दी हैं एक्स्ट्रा फिगर को फिगर में है ही नहीं लेकिन उसने बना दी है अपनी मर्जी से मीनंगस लाइन्स इधर उधर तब आप टू स्कोर करोगे इसको नेक्स्ट इज़ पार्शियल रोटेशन अगर पूरी डिज़ाइन के कुछ पार्ट में पूरी डिज़ाइन पूरी डिज़ाइन को अगर इसमें दो दो कंडीशन है पहली है कि पूरी डिज़ाइन के कुछ पार्ट को 20 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट कर दिया उसने या फिर पूरी की पूरी डिज़ाइन को 20 से लेकर 45 डिग्री तक कर दिया 45 से ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में पूरी डिज़ाइन को रोटेट किया है ठीक है यानी दो कंडीशन क्या हुई पहली, पहली हो गई कि उसके छोट जो थोड़ा सा पार्ट है उसको 20 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट कर दिया या पूरी की पूरी डिज़ाइन को ट्वेंटी से फोर्टी डिग्री के बीच में टिल्ट कर दिया तब आप इसको टू स्कोर करोगे नेक्स्ट टेंथ इज़ ओमिशन सम, इसमें वन पॉइंट देंगे अगर दो सब पार्ट जो है वो गायब कर दिए जो उसके दो दोनों में से किसी भी एक सब पार्ट को जो फिगर है दो में से कोई भी एक सब पार्ट को अगर वो गायब कर देता है तो हम इसको ओमिशन कैटेगरी में डालते हैं और वन वन स्कोर देंगे नेक्स्ट इज इलेवेंथ एब्रीवियशन इसमें भी आप वन पॉइंट दोगे अगर जो नंबर ऑफ डॉट्स या सर्कल्स हैं वो कम है काउंट में डॉट्स uh, या सर्कल्स रिड्यूज हो गए हैं काउंट में ट्वेल्थ इज सेपरेशन इसमें भी आप वन दोगे अगर जो सब पार्ट हैं उन डिज़ाइन uh, के उनमें सेपरेशन uh, है दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा तो. है तो थर्टींथ है एब्सेंस ऑफ इरेजर इसमें आप वन दोगे अगर वो जो एरर्स हैं उसको इरेज नहीं किया गया उसको कोशिश नहीं की है इरेज़ करने की गलती हो गई तो वहीं छोड़ दिया उसको इरेज़ नहीं किया तो आप वन स्कोर दोगे अदरवाइज़ आपको कहीं पे भी कोई स्कोर नहीं करना है इवन इफ uh, अगर एरर है ही नहीं तो ऑब्वियसली इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो so, आप स्कोर नहीं करोगे अगैन अगर सब्जेक्ट ने इरेजर uh, यूज़ किया है डिज़ाइन के ऊपर और uh, दूसरे डिज़ाइन के ऊपर नहीं किया है तो भी आप उसमें स्कोरिंग का कुछ वो नहीं करोगे सो so वन आपको तभी देना है जब उसने गलती पे इरेजर को यूज नहीं किया है तभी आपको देना है फोर्टीन इज क्लोजर इसमें भी आप वन स्कोर दोगे अगर किसी भी डिज़ाइन में एक से ज़्यादा एंगल को बंद नहीं किया गया है क्लोज नहीं किया है एंगल क्या होता है जिसमें दो लाइंस मिलके एक पॉइंट पर ज्वाइन हो रही होती हैं राइट सो किसी भी डिज़ाइन में एक एंगल से ज्यादा एंगल्स को उसने जोड़ा नहीं है मतलब एक एंगल में अगर वो जोड़ना भूल गया दोनों लाइंस को एक कॉमन पॉइंट पे तब तो ठीक है लेकिन एक से ज्यादा में अगर उसने वही काम किया है कि दो लाइंस को जोड़ के एंगल नहीं बनाया तो आप फिर स्कोर वन करोगे और किसी भी डिजाइन में चलेगा ना फिफ्टीन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें भी आप स्कोर नंबर वन ही देंगे स्कोर uh, वन uh, मतलब कि वन डिजिट डालेंगे uh, ये कौन सी डिज़ाइन पे है डिज़ाइन ए मतलब जो ए कार्ड है उसमें आपको क्या नोटिस करना है वहाँ पे ये नोटिस करना है कि स्क्वायर और जो सर्कल बने हुए हैं उस फिगर में वो एक दूसरे को अगर टच नहीं करते हैं एडिक्वेटली uh, तो आपको वन स्कोर करना है ये इस स्कोरिंग शीट है यहाँ पे इन्होंने बताया भी है जब आप परसिवरेशन देखेंगे इंटर और इंटर का तो एक्चुअल ये ये स्कोर है जो आपको देना है तो अगर प्रेजेंट है तो आप फोर लिखेंगे नहीं है तो आप ज़ीरो लिखेंगे है ना सो so, इस तरह से रोटेशन एंड रिवर्सल में हमने बताया था कि 45 डिग्री से ज़्यादा का होगा तो पूरी फिगर को अगर 45 डिग्री से ज़्यादा उसने घुमा दी टिल्ट कर दी अगर की है तो फ़ोर देंगे अगर नहीं किए है तो जीरो लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से आप पूरे पेशेंट का या सब्जेक्ट का फिफ्टीन जो कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे आप स्कोर लिख देंगे तो आपको ये स्कोर तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है है ना बस यहाँ पे मेंशन करना है एंड देन आपको टोटल निकाल लेना है यहाँ पे इन्होंने नॉर्म्स बताए हैं कि ये अलग अलग की लोगों ने स्टडी की थी इसके ऊपर और उन्होंने अपने हिसाब से नॉर्म्स बताया हैं ऑर्गेनिक मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन उनका कितना आ रहा है एंड साइकोटिक्स का कितना आता है जो स्टडी नॉर्म्स मतलब जो स्टैंडर्ड एवियशन वगैरह यूज़ करके मीन यूज़ करके जो हम करते हैं उसके बारे में बात करें कान एंड ग्राफिन, ग्राफिन ग्राफिन्स गिफिन ने नाइनटीन में ये बता अपनी बुक में ये बताया था कि जब बेंडर गेस्टाल टेस्ट आप यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन के बारे में आपको कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन के बारे में ये साइन आपको नोटिस करने पड़ेंगे जैसे कि सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनल गेस्टाल्ट प्रिमिटिव फीचर्स देन मॉडिफिकेशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द फिगर साइज डिस्टॉर्शन माइक्रोग्राफिया और मैक्रोग्राफिया मतलब बड़ी या छोटी फिगर बना देगा डिफिकल्टी विद एंगल्स पार्शियल रोटेशन वॉगनेस एंड स्केचनेस लॉस ऑफ डिटेल एंड फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट इज परसिवरेशन कॉन्क्रीटनेस ओवरलैपिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ नीड मतलब इसमें तो यह है इनएबिलिटी टू करेक्ट द इनकरेक्ट डिजाइन इवन विद रिपीटेड अटैम्प्ट परप्लैक्सिटी दिखाई देगी आपको देन uh, प्रिकॉशंस uh, आपको क्या लेना है जब आप uh, ये करते हैं uh, जो भी आप पुअर परफॉर्मेंस को भी अगर इंटरप्रेट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन की तो बहुत सारे पॉसिबल uh, uh, चीज़ें हैं डिफेक्टिव परफॉर्मेंस की जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा जैसे कि लैक ऑफ एडिकुएट एफर्ट्स ऑन दार्ट ऑफ हॉस्टाइल सोशल और पैरानोइड पेशेंट्स जो हॉस्टाइल सोशल और पैरानोइड पेशेंट होते हैं उनमें एडिकुएट एफर्ट्स नहीं लगाते हैं उनमें एडिकुएट एफर्ट्स नहीं दिखाई देंगे फिर इनेबिलिटी ऑफ सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स टू कंप्लीट रिप्रोडक्शन जो अब दोबारा बनाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलरली ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनस जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है उसको दोबारा नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे ये लोग कौन से सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स इनएबिलिटी ऑफ पेशेंट्स कंप्लीटेड बाय सीरियस फिजिकल डिजीज़ टू कंप्लीट रिप्रोडक्शन तो अगर कोई सीरियस फिजिकल डिजीज़ है तो उसमें भी वो कम्प्लीट uh, रिप्रोडक्शन uh, नहीं कर पाते हैं ऐसे पेशेंट ऑटिस्टिक जो होंगे वो प्री ऑक्यूपाइड होंगे कि ऑटिस्टिक प्री ऑक्यूपेशन दिखेगा शीजोफ्रेनिक पेशेंट्स में इेलीवेंट uh, रिप्रोडक्शनस करेंगे दैन डिफेक्टिव ग्रैफो मोटर स्किल या पूअर टास्क एडजस्टमेंट जो होगी ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जो लेस एजुकेटेड है या फिर सोशल एक्सपीरियंस जिनका रेलिवेंट नहीं है उनमें आपको दिखेगा कि वो ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं बना नहीं पा रहे हैं टास्क को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें आप उनमें देखेंगे नाउ इसमें आगे इन्होंने डिफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ पर्सन स्टिमुलेटिंग मेंटल इनकम्पिटेंस ये भी एक पॉइंट uh, है दैन स्कोरिंग प्रोसीजर की बात करें ऑन द लाइन्स ऑफ कॉपिट्स में इसमें इन्होंने बताया कि जब भी डिज़ाइन को कॉपी कर रहा है आपका सब्जेक्ट और uh, या फिर रिस्पॉन्स दे रहा है सो so आपको ये देखना है कि क्लियर कट डेविएशन है या नहीं है सो so, uh, यानी कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई डिफेक्ट तो आपको वन देना है और अगर एबसेंट uh, है तो आपको ज़ीरो देना है इसके अलावा आपको कुछ और बीच का कुछ नहीं करना पार्शियल कुछ नहीं है इसमें जीरो या वन का ही है और जब भी आप स्कोरिंग कर रहे हैं तो ये इसमें थोड़े से गाइडलाइंस इन्होंने दिए हैं कि इन्होंने बोला कि ये यंग चिल्ड्रन के लिए है तो अगर माइनर माइनर डेविएशन आ रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है उसको कंसिडर नहीं करना है सो so जो जितनी भी ऑल नाइन डिज़ाइंस है उसमें जो स्कोरिंग है बच्चों के केस में टोटल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो थर्टी आएगी और जो मिनिमम आएगी ज़ीरो आएगी ज़्यादा स्कोर मतलब ज़्यादा डिफेक्ट और कम स्कोर मतलब गुड परफॉर्मेंस माइनर डिफेक्ट इस तरह से स्कोरिंग के बारे में आपको सोचना है अब नॉर्म्स के बारे में बात करें तो ये जो स्केल है वो टू uh, फिफ्टी uh, बच्चों पे सैंपल uh, पे लगा था मतलब स्कूल के बच्चों पे लगाया गया था जिनकी एज सेवन से एलेवेन इयर्स की एज में थी और वो टू सेकेंड से सिक्स ग्रेड के स्टूडेंट थे सो so, उनकी स्टेटिस्टिकल जो वैल्यू आई है वो यहाँ ये बताई गई है कि सात साल का बच्चा जो है उसकी मीन सिक्स पॉइंट टू सेवन एन स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है तो ये टेबल में जस्ट इन्होंने डेटा दिया है कि किस तरह से बच्चों का ग्रेडिंग किया गया है ना इन्होंने कार्ड्स के बारे में भी डिटेल बताया है कि कार्ड जैसे मैंने बताया था एक कार्ड ए से है बाकी नंबर से हैं तो ए कार्ड जो है उसमें डिस्टॉर्शन ऑफ शेप के बारे में बताया है कि अगर इफ द शेप ऑफ सर्कल इज अटैच टू द रेक्टेंगल इट इज़ टेकन एज डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप अगर सर्कल uh, uh, की शेप और जो रेक्टेंगल की शेप है वो अटैच्ड है तो हम उसको डिस्टॉर्शन कहेंगे और वेन स्क्वायर और सर्कल और बोथ आर एक्सेसिवली फ्लैटेंड गिव स्कोर वन सो so, इन्होंने हर एक चीज़ का डिटेल दिया है कि किस में वन देना है किस में कौन सा ग्रेड देना है वेन देयर इज डिस्प्रपोर्शन बिटवीन साइज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल गिव स्कोर वन इस तरह से एंड देन रोटेशन के ऊपर भी है जब अगर पूरी की पूरी फिगर या फिर कुछ पार्ट्स को रोटेट किया गया है 45 डिग्री से ज़्यादा तो वन स्कोर देना है और फिर इंटीग्रेशन के ऊपर भी वन ग्रेड के बारे में बात की मतलब क्योंकि एक ए का टोटल फोर था ना तो सबका फोर कैसे कैसे आया है वो इन्होंने बताया कि वन इसका पॉइंट है वन इसका पॉइंट है वन इसका पॉइंट है एंड वन इसका पॉइंट है तो टोटल फोर हो गए ना इस तरह से इंटीग्रेशन में क्या है वेन देर इज ए डिस इंटीग्रेशन बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर कर्व एंड एडजस्टेंट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर मोर देन वन एर्थ ऑफ एन इंच और देयर इज ओवरलैपिंग गिव स्कोर वन सो so, इस तरह से है एंड देन फर्स्ट जो कार्ड नंबर वन है उसमें भी डिस्टोर्शन ऑफ शेप के बारे में बताया है वैन फाइव और मोर डॉट्स आर कन्वर्टेड इन टू सर्कल्स पाँच या पाँच से ज़्यादा डॉट को सर्कल uh, में कन्वर्ट किया गया है सो स्कोर वन आपको देना है एंड लार्ज डॉट्स या डैशेज आर नॉट कंसिडर्ड एज डिस्टोर्शन ठीक है सो so, सर्कल और डॉट में फ़र्क क्या है डॉट के अंदर रंग भर देते हैं है, है ना फिल्ड होता है और सर्कल Uh, के अंदर एम होता है और वो सर्कल थोड़ा बड़ा होगा डॉट छोटा होगा तो इस तरह से आपको कंसिडर करना है फिर रोटेशन के ऊपर भी इन्होंने वही सेम चीज़ बताई है क्योंकि uh, इसमें थ्री का था जो कार्ड कार्ड नंबर वन था उसमें थ्री पॉइंट्स थे तो उस हिसाब से आपको देखना है इसलिए उन्होंने थ्री थ्री कंडीशन दी है नेक्स्ट कंडीशन जो आपको नोटिस करना है वही है रोटेशन के ऊपर कि फोर्टी फाइव डिग्री या उससे ज़्यादा का अगर रोटेशन है तो आपको uh, आपको वन स्कोर करना है इफ़ द स्ट्यूमुलस कार्ड इज रोटेटेड बाय फोर्टी फाइव जो स्ट्यूमलेस कार्ड को अगर उसने रोटेट किया है इसमें क्या था फिगर को रोटेट किया है और इसमें क्या है कार्ड को अगर उसने फोर्टी फाइव डिग्री से ज़्यादा रोटेट कर दिया फोर्टी फाइव डिग्री या फोर्टी फाइव डिग्री से ज़्यादा रोटेट किया है uh, अगर इवन इफ कॉपी उसने करेक्ट बनाई है उसकी रोटेट करने के बाद फिर भी आपको स्कोर वन करना है फिर प्रिजर्वेशन में क्या बताया है? अगर पंद्रह डॉट uh, से ज़्यादा ड्रॉ कर दी गई हैं वैन मोर देन फिफ्टीन डॉट्स आर ड्रॉन इन अ रो एक रो में पंद्रह से ज़्यादा ड्रॉ कर दी गई है लॉन्ग चेन ऑफ डॉट्स दिखाई दे रही हैं तो आपको वन स्कोर करना है फिर सेकंड uh, uh, जो सेकंड नंबर का कार्ड है उसमें रोटेशन के बारे में आपको देखिए रोटेशन की भी कंडीशन अलग अलग है अलग अलग कार्ड्स की इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसमें रोटेशन के बारे में बात करें तो इसमें बताया है कि इवन स्टिमुलस कार्ड्स और फिगर इज कॉपीड करेक्टली एंड इफ इट इज़ रोटेटेड बाय मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री असाइन स्कोर वन अगर इन्होंने uh, इसमें कार्ड और फिगर दोनों में से किसी भी एक को भी रोटेट किया है सेकंड वाले कार्ड की कंडीशन में या तो उसने कार्ड को 45 डिग्री या उससे ज्यादा का रोटेट कर लिया या जो वो ड्रॉ कर रहा है जिस पेज पे उसको इस तरह से रोटेट कर लिया तो आपको वन स्कोर देना है इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें क्या बता रहे हैं वेन देर इज नो इंटीग्रेशन इन ड्रॉइंग रोज ऑफ सर्कल्स और वेन वन और मोर रोज ऑफ सर्कल्स आर ओमिटेड और देर आर मोर देन फोर सर्कल्स इन द मेजोरिटी ऑफ कॉलम्स असाइन स्कोर वन सो जितना बनाना है उससे ज़्यादा वो कर रहा है तो इसमें ये करना है <coughs> कि जैसा कार्ड में दिया है वैसा नहीं बना रहा वो अपनी मर्जी से ही कर रहा है सर्कल uh, uh, की रोज को या फिर इस तरह से प्रिजर्वेशन uh, में क्या है प्रिजर्वेशन uh, में व्हेन देर आर मोर देन फोर्टीन कॉलम्स ऑफ सर्कल्स इन ए रो रो में फोर्टीन कॉलम से ज़्यादा सर्कल बना दिया है स्कोर वन देना है आपको सो so, ये कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है और फिर यहाँ पर बताया है कि ऑप्टेनेबल स्कोर फोर आना चाहिए मैक्सिमम ऑप्टेनेबल स्कोर यहाँ पे थ्री आना चाहिए यहाँ पे थ्री जैसे मैंने बताया हर एक कंडीशन के लिए इन्होंने वन वन ग्रेडिंग की है नाउ कार्ड थ्री फोर फाइव के बारे में भी इन्होंने बताया कार्ड थ्री uh, के केस में आपको डिस्ट्रॉशन ऑफ शेप देखना है वैन मोर देन फाइव डॉट्स आर कन्वर्टेड इन टू सर्कल पाँच से ज़्यादा डॉट्स को इस सर्कल बना दिया गया है सो डिस्ट्रोशन ऑफ शेप इज स्कोड एज वन enlarged dots, डॉट्स डैश्ड और पार्शली फ़िल्ड सर्कल्स इनको आपको इग्नोर करना है रोटेशन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है जो एक्सेस ऑफ फ़िगर है वो 45 डिग्री है उससे ज़्यादा अगर रोटेट कर दिया है फिगर को जो वो बनाया है अगर कॉपी सही की है लेकिन उसने रोटेट कर दिया 45 या 45 से ज़्यादा तो आप वन स्कोर दोगे लॉस ऑफ शेप ऑफ द डिज़ाइन अगर जो डिज़ाइन है उसकी शेप बिल्कुल गायब ही है वैसी शेप आई नहीं है या एरो हेड जो है उसको उल्टा बना दिया गया है या ऐसी शेप बनाई है जिसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे या सिंगल लाइन जो है डॉट्स uh, की वो uh, बन गई है तो आपको वन नंबर देना है लाइंस ऑफ डॉट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं जो कंटिन्यूस uh, लाइन है इंस्टेड ऑफ़ डॉट अगर उसने बना दी डॉट्स नहीं बनाया उसने कंटिन्यूस लाइन बना दी है सो so उसको भी आप वन दोगे सो so ये लैक ऑफ इंटीग्रेशन माना जाएगा सो uh, टोटल so इसका फोर आएगा नाउ कार्ड नंबर फोर की बात करें टोटल नाइन कार्ड्स हैं तो सबके बारे में इन्होंने डिटेल बताया कार्ड नंबर फोर में बताया रोटेशन के ऊपर अगर फिगर या फिर पार्ट को कापी uh, तो ठीक किया है करेक्टली कॉपी किया है लेकिन उसको फोर्टी फाइव डिग्री या उससे ज़्यादा रोटेट कर दिया तो आपको वन नंबर देना पड़ेगा इंटीग्रेशन में बताया है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन को वन स्कोर करेंगे अगर जो कर्व है या फिर एडजस्टेंट कॉर्नर्स हैं वो मोर देन वन एट ऑफ एन इंच एक पार्ट का उसने चेंज कर दिया है ओवरलैपिंग या फिर जो कर्व्स हैं उनको टच कर दिया गया है तो आप उसको लैक ऑफ इंटीग्रेशन में काउंट करोगे ना फिफ्थ फिफ्थ कार्ड में आप डिस्ट्रॉक्शन ऑफ शेप के बारे में बात कर रहे हैं इसमें वैन मोर देन फाइव डॉट्स आर कन्वर्टेड इन टू सर्कल पाँच से ज़्यादा डॉट्स को अगर सर्कल में कन्वर्ट किया है डिस्ट्रॉशन को आप कंसिडर करोगे और उसको वन स्कोर दोगे uh, अगर लार्ज डॉट्स है या पार्शली फील्ड सर्कल है तो आप उसको इग्नोर करोगे रोटेशन के बारे में वही सेम टोटल फिगर को रोटेट कर दिया फोर्टी डिग्री या उससे ज़्यादा तो आप वन स्कोर दोगे शेप ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो अगर शेप जो है डिज़ाइन की वो पूरी लॉस्ट हो चुकी है और कुछ भी डॉट से कुछ भी बना दिया गया है स्ट्रेट uh, लाइन या फिर सर्कल है जो डॉट्स uh, का वो uh, बना दिया गया है इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ये आ, आर और पता नहीं क्या लिखा है एक्सटेंशन कट्स थ्रू आर द स्कोर ऑफ वन इम जो uh, ज़्यादा एक्सटेंड करके कट कर दिया है और डॉट्स की जगह पे कुछ और बना दिया गया है तो लाइंस फॉर डॉट्स क्या है कि कंटीन्यूस लाइंस आर इन आर्क और एक्सटेंशन और बोथ और लाइन सब्सटीट्यूट्स दी डॉट्स द सेम इज कोड वन सो डॉट्स की, so, uh, की जगह पे अगर कुछ भी कर दिया जा रहा है ऐसा आर्क बना दिया गया है या कंटिन्यूस लाइन बना दी गई है या कुछ और एक्सटेंशन बना दिए गए हैं तो आपको वन देना है इसमें टोटल स्कोर्स यहाँ पे बताया है कितना कितना आएगा नौ सिक्स सेवन एट के बारे में बात करेंगे सिक्स जो कार्ड है उसमें भी डिस्ट्रॉशन ऑफ शेप के बारे में बोला है कि इफ़ कर्व्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय मोर देन थ्री एंगल्स कर्व्स को सब तीन एंगल से ज़्यादा सब्सटीट्यूट कर दिया गया है तो आप वन स्कोर करोगे इसको uh, अगर कर्व बनाया ही नहीं है या फिर स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है स्कोर uh, तभी भी आप वन ही दोगे इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो दो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं एट द एक्सट्रीम एंड स्कोर वन देंगे ठीक है व्हेन टू लाइंस डू नॉट क्रॉस एट द एक्सट्रीम एंड दैट स्कोर वन इज गिवन तो uh, दोनों लाइन पास से टच कर टच uh, नहीं कर रही हैं साइड साइड में तो देंगे अब वन uh, फिर प्रिजर्वेशन में वेन देयर आर मोर देन सिक्स सें क्रिडल कर्व्स इन आइदर डायरेक्शन स्कोर ऑफ वन इज़ गिवन सो एक uh, छ जो कर्व हैं उनसे ज़्यादा uh, कुछ कर्व्स में गड़बड़ है uh, किसी भी डायरेक्शन में तो आप वन देंगे सेवन्थ कार्ड में डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप के बारे में बोल रहे हैं वेन देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप इन टर्म्स ऑफ इनकरेक्ट एंगल्स इन इनकरेक्ट एंगल्स बनाए गए हैं शेप में तो फिर आप स्कोर वन देंगे वेन देर इज़ डिसपोर्शनेट साइज ऑफ़ ड्राॅइंग और एक्सेसिवली मिस शेपन और देर देयर आर एक्स्ट्रा और मिसिंग एंगल्स स्कोर ऑफ़ वन इज़ टू बी असाइंड सो एंड रोटेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं पूरी फिगर या फिर उसके पार्ट को 45 फाइव डिग्री से ज़्यादा या 45 फाइव डिग्री तक रोटेट कर दिया गया है तो वो मोर uh, देन 45 फाइव डिग्री बोल रहे हैं सो so वन आप देंगे ग्रेट इंटीग्रेशन में क्या बोल रहे हैं वन हैग्जा डू नॉट ओवरलैप और ओवरलैप एक्सेसिवली या तो बिल्कुल ही ओवरलैप नहीं कर रहे हैं या एक्सेसिवली ओवरलैप कर रहे हैं इट शोज़ द लैक ऑफ इंटीग्रेशन सो इसमें भी आप वन स्कोर देंगे uh, और अगर फुल्ली uh, इसमें यह भी, भी बोला है इट ऑल्सो स्कोर्ड वन वन फुल्ली पेनीट्रेट्स द अदर एक, एक दूसरे के अंदर ही uh, बना देता है तो भी कार्ड एट में क्या बोल रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ शेप में व्हेन द हैगजागन आर एक्सेसिवली मिस मिस हैपन और एक्स्ट्रा और मिसिंग एंगल्स आर ओमिटेड सो मतलब वो फिगर बिल्कुल हैगजागन जैसी लगी नहीं रही है तो आपको वन स्कोर देना है रोटेशन में क्या है व्हेन द फिगर इज रोटेटेड मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री और मोर फोर्टी फाइव डिग्री से ज़्यादा uh, uh, कर दिया गया है रोटेट को फिगर को तो तो आप वन देंगे इवन इफ द डिज़ाइन इज करेक्टली कॉपीड अगर कॉपी सही की है तो भी ना इसमें इन्होंने बाकी क्या बताया इन्होंने ये भी बताया कि जो गेस्ट ये एंडर गेस्टाल टेस्ट जो है ये विजुअल एक्विटी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, एंड मैचोरेशनल लेवल एंड ग्रोथ फैक्टर्स जो है जो विजुअल मोटर परसेप्शन को शेप करती है बच्चों में एज वेल एज एडल्ट दोनों में ही ये चेक कर लेती है और जो बच्चों का स्कोर है टेस्ट में वो कंपेयर किया गया है उसी एज और ग्रेड लेवल के बच्चों से सो so, आपको ये नहीं सोचना है कि एडल्ट एडल्ट से कंपेयर कर रहे हैं हम बच्चों के ही जो नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल एज और जो ग्रेड लेवल है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं और ये काफ़ी ऐसे केसेस में भी हमने चेक किया है इस टेस्ट को यूज़ किया है जहाँ पे इमोशनल डिस्टरबेंसेस या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हमने देखे हैं सो फ्रेंड्स ये तो था मैनुअल के बारे में अब मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी आगे गाइस अब अगर आप स्कोरिंग क्राइटेरिया इस डाटा में देखेंगे तो यहाँ पे साइंस स्कोर बताया है कि कौन यानी ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें डिज़ाइन के नंबर लिखे हैं कहाँ कहाँ आपको ये ऑब्जर्व करना है तो प्रिजर्वेशन हमने जैसे कि फर्स्ट फैक्टर था जिसको हम नोटिस कर रहे थे तो टू टाइप्स के थे इंट्रा एंड इंटर इफ़ यू रिमेंबर तो टाइप वन जो इंट्रा डिजाइन प्रिजर्वेशन था वो डिज़ाइन वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स नंबर की डिज़ाइन में आप देखेंगे तो डिज़ाइन वन जो है पहला जो कार्ड जिस कार्ड पे नंबर वन लिखा होगा उस कार्ड में आप मोर देन फोर्टीन डॉट्स हैं तो आपको कंसीडर करना है डिज़ाइन टू में मोर देन टवेल्व रोज वेयर स्ट्यूमुलस फिगर हैज़ टेन रोज तब आपको ये देखना है एंड uh, ऐसे ही डिज़ाइन uh, थ्री में जैसे कि ट्वेल्व ट्वेल्व रोज से ज़्यादा थर्टीन होंगी टेन रोज से ज़्यादा इलेवन होगा तो इन्होंने ब्रैकेट में ये भी डाला है डिज़ाइन जो थ्री होगी थर्ड नंबर का कार्ड जो होगा जिसमें डिज़ाइन नंबर थ्री लिखा होगा उसमें मोर देन वन डॉट इन फर्स्ट एलिमेंट फोर डॉट्स इन सेकेंड एलिमेंट सेवन डॉट्स इन थर्ड एलिमेंट नाइन डॉट्स इन फोर्थ एलिमेंट एंड मोर देन फाइव एलिमेंट्स इस तरह से इन्होंने बताया है एंड डिज़ाइन फाइव में आपको क्या नोटिस करना है मोर देन ट्वेंटी सेवन डॉट्स इन दी आर्क और मोर देन टेन डॉट्स इन डायगोनल डिजाइन सिक्स में आपको क्या नोटिस करना है मोर देन सिक्स क्रेस्ट्स ऑफ साइनोसोडल वेव्स इन आइदर हॉरिजेंटल ऑफ वर्टिकल वेव्स टाइप टू क्या बोल रहे हैं रिपीटेड डिज़ाइन प्रिजर्वेशन ऑल डिज़ाइन्स ये सारी डिज़ाइन जितनी भी हैं ए से लेके जितने भी कार्ड्स हमारे पास हैं टोटल नाइन कार्ड्स होते हैं सो so, उन सारी डिज़ाइन में आपको रिपीटेड डिज़ाइन प्रिजर्वेशन देखना है कि रिपीटिशन uh, है कि नहीं है सो so, स्कोर कैसे करना है जब uh, जो सब्जेक्ट है वो मेक्स और फेल्स टू इरेज और क्रॉस आउट मोर देन टू रिप्रोडक्शंस ऑफ एनी डिज़ाइन या दो से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है या तो इरेज एरे, करने में कर नहीं पाता है या फिर वो क्रॉस कर देता है उन डिज़ाइन को तब आपको ये नोटिस करना है अगर सब्जेक्ट बोलता है कि वो फिर से रिपीट कर सकता है तो साइन को आपको स्कोर नहीं करना है लेकिन अगर वो दो बार करने के बाद गिवअप कर जाता है तो आपको स्कोर करना है और ये सारी डिज़ाइन में अप्लीकेबल है तो जितना रिपीट करना चाहता है करें लेकिन अगर वो गिव अप कर जाता है तो आपको फिर आ, न, नहीं आ, गिव अप कर जाता है तो आपको स्कोर करना है लेकिन अगर वो दोबारा करना चाहता है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी है इफ़ यू विल लुक एट दिस जैसे हमें रोटेशन एंड रिवर्सल में बताया था रोटेशन 45 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर रिवर्सल uh, क्या होता है 90 से 270 डिग्री के आसपास हो तो ये अगर एक्सेस है तो देखिए ये फिगर ऐसी बननी थी बट ये यहाँ रोटेट हो गई है है ना अगर इस फिगर को हम देखें तो सो so, इस तरह की बात कर रहे हैं अगर हम आगे यहाँ देखें सो so, यहाँ पे भी इन्होंने uh, दिखाया है फिगर का जैसे एडेड एंगल के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल बना दिया फिगर का है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल बना दिया फिगर होनी थी ऐसी और बना दिया ऐसा यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा कट दे दिया सो इस तरह का अगर एडेड एंगल दिखाई दिए या फिर आप अगर यहाँ पे और आगे देखें तो यहाँ पे देखिए ये कट कर दिया एडेड एंगल का है ना ये तो इस तरह की अगर आपको चीज़ें दिखाई दे सो वो आपको ध्यान देना है ये देखिए सेपरेशन ये यहाँ पे जॉइन नहीं है फिगर में है ना फिर ये एक्स्ट्रा ये देखिए यहाँ सेपरेशन दिख रहा है कट कर दिया तो अगर इस तरह का सेपरेशन ऑफ लाइंस दिख रहा है आपको या ओवरलैपिंग दिख रही है इस तरह की सो ये यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है एडिड एंगल्स का ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल एक्स्ट्रा एंगल सो ये इस तरह की चीज़ें आपको नोटिस करना है ओवरलैपिंग में क्या हो गया यहाँ पर ये देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर भी कर दिया ये एक फिगर दूसरे फ़िगर के ऊपर चढ़ गई ये कुछ डिवीजन ही नहीं है पता ही नहीं चल रहा कंफ्यूजिंग फिगर बन गई है मॉडर्न आर्ट बन गई है कोई किसी सेपरेट फिगर्स जो थी ये ऊपर की ये ऐसी दिखने लगी है तो ये ओवरलैप का एग्जांपल है नाउ डिस्टॉर्शन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्वाइन होना था ये ज्वाइन नहीं है कुछ और फिगर बन गई वहाँ पर जो दो फिगर्स थी वो किसी और तरीके से दिखाई दे रही है देखिए यहाँ पर सो so इस तरह का एम्बेलिशमेंट में क्या है ये देखिए एक्स्ट्रा एंडिंग्स दे दी है लाइन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिज़ाइने बना दी तो ये एम्बेलिशमेंट का एग्ज़ाम्पल हो गया फिर पार्शियल रोटेशन हो गया फ्री ये कुछ और ही एंगल बन गया है है ना तो 45 डिग्री से कम है लेकिन फिर भी एंगल कुछ और बना दिया गया है तो ये पार्शियल रोटेशन का केस हो गया ना ओमिशंस भी आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पे ओमिशन कहाँ कहाँ कौन से डिजाइन uh, में देखना है वो इन्होंने यहाँ पे बताया डिजाइन फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन और ए वाली डिजाइन इनमें आपको ओमेशन्स देखने हैं जैसे सर्कल स्क्वायर में डिज़ाइन uh, ए में सर्कल स्क्वायर में ओमिशन देखेंगे फोर्थ वाली जो डिज़ाइन है उसमें ओपन स्क्वायर एंड कर्व देखेंगे फिफ्थ वाली जो डिज़ाइन है उसमें आर्क डायगोनल एक्सटेंशंस देखेंगे सिक्स वाली में हॉरिजोंटल वेवी लाइन्स वर्टिकल वेवी लाइन्स देखेंगे सेवन्थ वाली डिज़ाइन में आप वर्टिकल हैगजॉगन एंड लीनिंग हेक्ॉगन देखेंगे फिर एट्थ में हैगजागन एंड सेंट्रल डायमंड के बारे में देखेंगे एब्रीविएशन uh, आपको कौन सी डिज़ाइन में देखना है डिज़ाइन वन एंड डिज़ाइन टू में देखना है डिज़ाइन वन में आप क्या करेंगे कि लेस देन एलेवन डॉट्स बताए हैं तो आपको चेक करना है स्कोर डिज़ाइन टू में आपको कब स्कोर करना है डिज़ाइन पे uh, जब लेस देन नाइन डॉट्स रो में है या uh, या फिर uh, जो जो स्टिमुलस फिगर है उसमें टेन रोस के से कम है तो सेपरेशन कहाँ पे आप देखेंगे फिग डिज़ाइन ए फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट डिज़ाइंस में आप सेपरेशन को नोटिस करेंगे कि सब पार्ट्स या फिर डिज़ाइन जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ओमिशन हुआ है फिर देन एब्सेंस ऑफ इरेजर किस किस में देखेंगे Uh, ये सारे डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि अगर जो फिगर है उसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं की एरर को इरेज करने की कोशिश नहीं की गई क्लोजर डिज़ाइन ए फोर सेवन एंड एट में देखेंगे देन फिफ्टीन uh, जो पॉइंट uh, है अपना वो डिज़ाइन ए के लिए है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में सो so इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे भी बताया है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसमें यहाँ पर पेनिट्रेट हो रहा है है ना और इसमें क्या हो रहा है कि गायब ही हो गया है दिखाई नहीं दे रहा है सो so इसको आपको नोटिस करना है अगर आप ये कार्ड्स की डिज़ाइन देखें ये मैं सारे कार्ड्स की आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ फिगर वन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सर्कल एंड ये एक्चुअल डिज़ाइन है और ये कैसा सब्जेक्ट uh, ने ड्रॉ किया है uh, किस तरह के आपको फॉल्टी चीज़ें दिखेंगी ये देखिए दिखे, uh, ये फिगर टू है जिसमें यहाँ पे डॉट्स लगी हैं और उसने कैसा बनाया है बहुत सिंपल डिज़ाइंस है फिगर थ्री में अगर आप देखेंगे ये देखिए इस तरह का है उसने किस तरह से बनाया है फिगर फोर में आप देखेंगे ये डिज़ाइन है और इसको कैसे किया गया है फिगर फाइव में देखेंगे ये डिज़ाइन है इसको कैसे किया है फिगर सिक्स में देखेंगे ये डिज़ाइन है और इसको कैसे बनाया गया है फिगर सेवन में देखेंगे डिज़ाइन ये है और इसको इस तरह से बनाया गया है फिगर एट ऐसी है और इसको ऐसा बनाया गया है फिगर सेवन अगेन एक और बताई गई है इसमें इस तरह की डिज़ाइन है और इसको इस तरह से बनाया गया है फिगर वन को फिर इन्होंने आगे भी बताया कि किसी और सब्जेक्ट के बारे में सो so, इस तरह से ये आपको जो जितनी भी फिगर मैंने दिखाई है उसमें किस तरह के डिस्टॉर्शंस दिखाई देंगे तो, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से होगा अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ इसी चीज में इसी डॉक्यूमेंट में मैंने एक और चीज देखी है जो यहाँ पे देखे ये स्कोरिंग जब कर रहे हैं तो ये जो चीजें हैं जितनी फिगर्स थी उनको ऊपर कंपेयर करके दिखाया गया है कि फर्स्ट फिगर ये थी इसका क्या है, स्कोर है सेकंड क्या है थर्ड क्या है इस तरह से इन्होंने हर एक मोटर कोऑर्डिनेशन किस तरह से चेक करते हैं ये इस डॉक्यूमेंट में समझाया गया है जो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी बट स्कोरिंग इस तरह से भी की जाती है तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा जहाँ पर मैंने बेंडर गेस्ट टेस्ट के बारे में आपको बताया और ये पूरा प्रोसेस था और ये इसके डिटेल थे मेरे पास इसकी मैनुअल है और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो यू मे अप्रोच मी थ्रू कॉन्टैक्ट प्रिया भार्गव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इट विल बी ऑन दी पेड बेसिस थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय